ठीक है गाइस, आओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लेट ज्वाइन मत किया करो, क्योंकि फिर लेक्चर छोड़ छोड़ के सबको ज्वाइन करवाना पड़ता है। इंडेक्स पे आ जाओ एक बार, देखो क्या बचा है अपना। ध्यान से देखेंगे सब लोग। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड हो गया पार्टीशन वैल्यू, फोर्थ हो गया इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, फिफ्थ हो गया रूरल डेवलपमेंट, सिक्स्थ हो गया पॉपुलेशन। अब अपन कौन सा चैप्टर चालू करते हैं? चैप्टर नंबर सेवन। सेवन चैप्टर कौन सा है? अनएम्प्लॉयमेंट। बराबर है, आपको आना है पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 पे मिला सबको अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। चलो पढ़ते हैं। बोलो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके देश के लोग बेरोजगार रहे, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा साउंड क्लियर है कि इको प्रोड्यूस हो रहा है? क्लियर है ना? चलो गुड, सुन पा रहे हो तो फिर आगे बढ़ते। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना। पढ़ते हैं हम। अब देखो भाई, हमारे क्या डायग्राम दिया है। एम्प्लॉयड कौन है? ये दिख रहा है कोई वर्कर एम्प्लॉयड है, ये डॉक्टर दिख रहा है एम्प्लॉयड माना जाता है, ये कुक है एम्प्लॉयड है, ये कोई मैकेनिक दिख रहा है एम्प्लॉयड है, ये फोटो खींच रहा है बच्चा पता नहीं इंस्टाग्राम के लिए, पर एम्प्लॉयड तो है, कुछ ना कुछ कमा रहा है। दूध बेचने वाला एम्प्लॉयड है, किसान एम्प्लॉयड है, मच्छी बेचने वाला एम्प्लॉयड है, ये कोई कॉलेज की डिग्री लेके बच्चा है, ये एम्प्लॉयड है। और ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास करने के लिए क्या नहीं होते हैं, काम नहीं होते, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि क्या आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, क्या जवाब दोगे मुझे बताओ? व्हाट डू यू थिंक? आप लोग स्टैंडर्ड 11 स्टूडेंट्स हो, तो देश की जब पॉपुलेशन को गिना जाएगा तो आपको एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखा जाएगा कि अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखा जाएगा? नहीं, आप गलत हो, आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो। बताता हूं क्यों। अगर आप लोग और छोटे बच्चे 1 साल से लेके, तो जो बच्चे नए पैदा हुए हैं से लेके 16 साल तक जो काम करने के लायक बने ही नहीं है, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जाता। ऐसा होता ना तो हमारे देश की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड होती। अनएम्प्लॉयड कौन है फिर? जो काम करना चाहता है, जो काम करने के लिए तैयार है, जिसकी उम्र हो चुकी है पर फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो वही लोग देश के लिए समस्या है, अनएम्प्लॉयड लोग कहलाते हैं। अभी तो आप पढ़ रहे हो ना भाई, आप लोग पढ़ लिख के तैयार हो गए हो क्या काम करने के लिए? बताओ ना, आप लोग काम करने के लिए तैयार हो क्या? आज आप काम ढूंढ रहे हो क्या, जॉब ढूंढ रहे हो क्या? तो आप लोग, हाँ तो आप लोग सरकार की नजर में अनएम्प्लॉयड नहीं हो। अनएम्प्लॉयड वही है जो काम करना चाहता है, जो काम ढूंढ रहा है पर फिर भी उसको क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा। आप लोगों के पास काम नहीं है, आप लोगों के पास जॉब नहीं है, आपको जॉब करनी भी नहीं है, तो आप इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई समस्या नहीं हो। सिर्फ वही लोग समस्या से काम करना चाहते हैं पर काम मिल नहीं रहा। आइए पढ़ते हैं, टेक्निकली पढ़ते हैं इस टॉपिक को, क्या लिखा है पढ़ेंगे। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चलो ये तो हमेशा ही रहेगा इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में, कि इंडिया एक कौन सी कंट्री है बेटा? डेवलपिंग, और हम है दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट के आगे एक वर्ड हमेशा मिलेगा, वो है प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट चैलेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत देश की विकास में एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बेरोजगारी। जब तक हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर देते, हम कभी डेवलपिंग से बढ़ के डेवलप की तरफ जाने का ख्वाब नहीं देख सकते। पहले तो हमें बेरोजगारी दूर करनी होगी, फिर इस चैप्टर में हमें सब कुछ पता चलेगा कि बेरोजगारी क्यों है और इसको दूर कैसे कर सकते। फिगर 7.1 गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पे आपको क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। अगर एक इंसान काम करने के लिए तैयार है, वो पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया,
उसका ग्रेजुएशन हो गया, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, वो काम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, तो ये ऐसे ह्यूमन रिसोर्स का एक वेस्टेज है। और कोई देश नहीं चाहेगा कि उसके पास काम करने के लिए मैन पावर है पर हम उसको काम नहीं दे पा रहे। कितना बड़ा लॉस है, देश का भी लॉस है और इस इंसान का भी लॉस है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन अ मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट भी दो तीन प्रकार की होती है, उसमें से एक प्रकार है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, भाई थोड़े समय के लिए, लॉकडाउन था मुझे काम नहीं मिला, चलो ठीक है लॉकडाउन निकल गया, काम मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर भाई सब कुछ नॉर्मल चल रहा है फिर भी कई सालों से काम ही नहीं मिल रहा है, पैसे ही नहीं कमा पा रहा हूं, तो ये है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। और इससे आती है मास पॉवर्टी। मास पॉवर्टी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री रिमेन पुअर, और इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो होता है। अब आपको अगर मैं समझाऊं तो मुझे बताओ देश का विकास तेजी से कब होगा, तो जब अर्थव्यवस्था तेजी से चलेगी। अर्थव्यवस्था में आता है बेटा प्रोडक्शन, चीजों का प्रोडक्शन स्पीड से होना चाहिए, सिर्फ चीजें बनाने से नहीं होता, प्रोडक्शन का लोगों के द्वारा कंजम्पशन भी होना चाहिए। कंजम्पशन मतलब कुछ चीजें बन रही है तो लोग उसको खरीद रहे हैं तो लोग बेच रहे तो और प्रोडक्शन हो रहा। ये दो चीजें प्रोडक्शन और कंजम्पशन तेजी से चलना चाहिए। अब प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन तभी करता है जब कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन लोग तभी कर पाते जब उनके पास जॉब होता है, काम होता है और उनकी इनकम होती है। अब लोगों के पास काम ही नहीं होगा, इनकम ही नहीं होगा, तो वो लोगों के पास जॉब नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, तो खरीदेंगे नहीं तो बनाने वाले बनाएंगे क्या, और जब कोई लोग कुछ बनाएंगे नहीं तो वो लोग भी पैसे कमाएंगे नहीं, तो वो लोग भी गरीब हो जाएंगे। तो जिस देश में लोगों के पास काम नहीं होता है उस देश में गरीबी ज्यादा होती है और उस देश का आर्थिक विकास भी काफी सारा कम हो जाता है। देश का आर्थिक विकास होने के लिए जरूरी है प्रोडक्शन होना और कंजम्पशन होना। प्रोडक्शन करने वाले तभी पैसा कमाएंगे जब कंजम्पशन करने वाले खरीदेंगे, और कंजम्पशन करने वाले तभी खरीदेंगे जब उनके पास जॉब होगा, और जॉब तभी होगा जब देश में प्रोडक्शन होगा। तो ये गोल 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 घूमने वाली साइकिल है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस पूरे अर्थव्यवस्था के चक्र की एक समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या लिखा है आगे देखो, mostly young people face a problem of unemployment. ये unemployment की problem ज्यादातर किस लोगों में होती है, young लोगों। Young people are the major human resources, key agent for social change and driving force of economic development and technological innovation. हमारे देश का youngster, young population, ये हमारा major human resource है, ये की एजेंट है सोशल चेंज। अगर हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो यंग लोगों के माध्यम से ही ला सकते हैं। एंड अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो इस प्रगति को, इस तरीके को कोई फोर्स दे सकता है, इस देश की गाड़ी को कोई चला सकता है तो यंग लोग है। और अगर यंग लोग ही अनएम्प्लॉयड होंगे तो देश के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आओ पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। इंडिया, यहां से पढ़ेंगे, हैज अ कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, हेंस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। हमने पॉपुलेशन के चैप्टर में पढ़ा था हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। पर अगर इसी यंग पॉपुलेशन में से काफी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरेगी। देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट, employment opportunity and increase in population. बेरोजगारी क्यों है? तो सबसे पहले जितनी employment opportunity है वो कम है और हमारा increase in population उसकी तुलना में ज्यादा है। This has resulted in large scale unemployment. कि कोई भी आपसे पूछे कि भारत में बेरोजगारी की जो बढ़ती समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आप बोलिए जहां जॉब क्रिएट होते हैं वो जॉब कम क्रिएट हो रहे हैं उसकी तुलना में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड है। सो जनरली अनएम्प्लॉयड पीपल आर इन्वॉल्व इन अनप्रोडक्टिव वर्क लाइक गैम्बलिंग एंड इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी। अब भैया इंसान को पेट भरने के लिए कुछ तो चाहेगा, अगर उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, फैक्ट्री में काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो करेगा क्या, वो एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, गुंडा बन जाएगा, दादा बन जाएगा,
मवाली बन जाएगा, गुंडागर्दी करेगा, और कर क्या सकता है ऐसा इंसान? या तो फिर वो टेररिस्ट बन जाएगा, लूट डाकू गुंडे और टेररिस्ट लोगों को ज्वाइन करेगा और अपना पेट भरेगा। तो ये था पहला पैराग्राफ, इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन की अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी क्या है हमारे देश में प्रॉब्लम है, और खासकर यंग पॉपुलेशन में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। और इस प्रॉब्लम का जो सबसे महत्व का और बड़ा कारण है वो है इम्बैलेंस। किसके बिटवीन इम्बैलेंस बेटा? हमारी पॉपुलेशन और हमारे जो अपॉर्चुनिटीज या जॉब क्रिएशन है उसके बीच में बनने वाला इम्बैलेंस। तो इसमें आप एक चीज को सिर्फ हाईलाइट करो, इम्बैलेंस बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो अनप्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज। अब पढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी शुरुआत ही गलत हुई थी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप लोग अनएम्प्लॉयड हो क्या, और आपने बोल दिया था हाँ सर हम अनएम्प्लॉयड है। अब अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, और सरकार को इन सबको जॉब देना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार को सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो आओ मतलब पढ़ते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, नॉर्मली एनीवन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, टेक्निकल टर्म है। अगर आप गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं हो, मतलब काम कर रहे हो पर उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिल रहा है, और आप कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, मतलब आप काम तो कर रहे हो पर आपके काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आप अनएम्प्लॉयड हो। एग्जाम्पल, मेरे पापा की दुकान है, मेरे पापा की दुकान में रोज का 10,000 रुपए का माल बिकता है और पापा दुकान में बैठते हैं। अब मैं भी बैठने लगा दुकान में, तो अब भी 10,000 का ही माल बिकता है। तो मुझे बताइए, पापा अकेले थे तो 10,000 का माल बिकता था, मैं भी बैठा तो भी हम दोनों मिलकर 10,000 का माल बेच पाते हैं, तो मेरे आने से प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कोई बढ़ोतरी हुई? No. तो कहने को तो दुनिया को दिखेगा कि बाप के पास काम है, बेटे के पास भी काम है, पर एक प्रकार से ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है, क्योंकि आपके आपको दिख तो रहा है काम है पर आपके काम करने से किसी की इनकम नहीं बढ़ रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, आप कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, तो इसको भी एक प्रकार की बेरोजगारी कही जाती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काम ही नहीं है, जो कुछ पैसे ही नहीं कमा रहा काम करके या कोई चीजें नहीं बना रहा, वो अनएम्प्लॉयड है। और दूसरा, जो दिखता तो है कि काम कर रहा है पर उसके काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकली वो भी अनएम्प्लॉयड है। इन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट टू बी स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू, अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, आपका वर्किंग एज ग्रुप क्या है। हर किसी को अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, जो काम करके रिटायर हो गए, आपके दादाजी जिसकी उम्र है 65 ईयर्स, आप बोलोगे सर ये दादाजी अनएम्प्लॉयड है क्योंकि इनका तो रिटायरमेंट हो चुका है, ये आप गलत बोल रहे हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए आपको नेचर ऑफ वर्क कैसा है ये समझना पड़ेगा। दूसरा, समझना पड़ेगा कि उसका वर्किंग एज ग्रुप क्या है। तीसरा, समझना पड़ेगा कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर की कंडीशन क्या है। ये भी हो सकता है कि डिमांड कम है लेबर की, सप्लाई ज्यादा है, इसलिए लोग अनएम्प्लॉयड है। जैसे लॉकडाउन में हुआ था, फैक्ट्रियां ही बंद थी, बिजनेस बंद थे, मार्केट बंद थे, लेबर की या काम करने वाले लोगों की डिमांड ही नहीं थी, पर काम करने के लिए लोग तैयार थे, तो कुछ समय के लिए लोग अनएम्प्लॉयड रहे। और दूसरा है प्रीवेलिंग वेज रेट। अब देखो, प्रीवेलिंग वेज रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इतने पढ़े लिखे और काबिल हो कि आपकी महीने की पगार 50,000 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 50,000, पर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहां आपको सैलरी मिल रही है 10,000, कहने को तो आपके पास काम है पर क्या आप आपकी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हो क्या? नहीं। तो ये भी एक प्रकार है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इससे पहले कि हम कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है ये तय करें, ये तय करने से पहले आपको समझना होगा कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो काम किस प्रकार का कर रहा है, क्या प्रोडक्टिव है कि नॉट प्रोडक्टिव है। दूसरा, उसका एज ग्रुप क्या है। तो पहले तो 16 साल के कम और 60 साल 65 साल के ऊपर इनको तो छोड़ दो, ये अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की कैटेगरी में आते ही नहीं है। किसी का माइक चालू हो तो बंद कर देना, थोड़ा आवाज ऐसा खरखर सा आ रहा है मुझे। सो इफ योर माइक इज ऑन, काइंडली मेक श्योर योर माइक इज ऑफ। ठीक है,
तीसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास आज काम नहीं है तो मार्केट में लेबर की डिमांड और सप्लाई की पोजीशन क्या है, और ये भी देखना पड़ेगा कि आप काम कर रहे हो, आप कितना पगार कमाना चाहिए आपको, कितना कमा सकते हो और एक्चुअली में कितना कमा रहे हो। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक मिनट रुकना, शायद कुछ प्रॉब्लम है। ना ना ना, माइक सबके बंद है ना? ठीक, एक मिनट चलो। सिस्टम साउंड ऑन था, इसकी वजह से खरखर आवाज आ रही थी, अब शायद नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। The rate of economic growth is not fast enough to generate the adequate job to absorb the expanding labor force. अब हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फैक्ट्री बढ़ रही है, नए नए दुकान लग रहे हैं, नए नए बिजनेस लग रहे हैं, इसमें ग्रोथ रेट है, पर ये इतना इनफ नहीं है कि जो एक्सपांडिंग लेबर फोर्स है उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, कौन सा वर्ड है ये? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब वो लोग जिनकी उम्र एक पर्टिकुलर एज से ज्यादा है, ये एज बदलते रहती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल ऑफ अ एज ग्रुप 15 से लेके 59 ईयर, इसको अंडरलाइन करो, मार्क करो, हाईलाइट करो। किन लोगों की बातें करेंगे आप, अगर आपको ये पता करना है कि कोई अनएम्प्लॉयड है या नहीं है, तो उसके लिए एज ग्रुप कौन सा है? 50 से लेके 59, मतलब 15 साल के कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। 59 के ऊपर के लोगों को एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, वो पॉपुलेशन का पार्ट है पर लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, अब इसमें से हर व्यक्ति एबल नहीं होता या विलिंग नहीं होता। देखो, आप अभी भी पढ़ रहे हो, आपकी उम्र भले 15 से ज्यादा है, पर आर यू एबल टू वर्क? अब आपके पास आ जाए कोई ऐसी डिग्री या क्वालिफिकेशन है कि जिसके बेसिस पे आपको काम दिया जा सके? बताओ ना, मेरे सवाल का जवाब दो, माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। आप एबल नहीं हो। चलो, किसी को लगता है कि मैं छोटा मोटा काम तो कर सकता हूं, पर आपकी इच्छा भी तो होनी चाहिए। अब मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरी इच्छा ही नहीं है काम करने की, चाहूं तो काम मुझे मिल जाए, फिर क्या मुझे अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा क्या? अब भिखारी लोग, भिखारी लोग चाहे तो भीख मांगने में ही अपनी भलाई समझते हैं, चाहे तो वो महीने का कुछ ना कुछ कमाने का काम कर सकते हैं, पर उनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, फिर क्या उनको गिन लेने का क्या कि ये लोग अनएम्प्लॉयड है? नहीं। तो बहुत अमीर लोग जिनके पास इतना पैसा है कि उनको काम करने की जरूरत नहीं, वो काम करते नहीं, घर पे बैठे रहते, उनकी गिनती नहीं होती है अनएम्प्लॉयमेंट में। और जो तैयार नहीं है अभी तक काम करने के लिए या पढ़ रहे हैं, उनकी गिनती भी नहीं होती है अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में। तो मुझे बताओ, लोग अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, यह तय करने के लिए कितने पॉइंट पे फोकस करना चाहिए हमें? चार पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ वर्क क्या है? दूसरा, आपका एज ग्रुप क्या है? तीसरा, डिमांड सप्लाई की पोजीशन क्या है? चौथा, वेज रेट क्या है? और देखना चाहिए कि आपकी उम्र 15 से 59 के बीच में हो, आप एबल हो काम करने के लिए और आपकी इच्छा भी है काम करने की। अब देखा देखिए, इच्छा ही नहीं है काम करने की तो वो बोलेंगे मेरे को करना ही नहीं है काम, तो सरकार बोलेगी ठीक है मत कर, तेरी इच्छा नहीं है तो, तेरे को जरूरत नहीं है तो कर मत, तेरी इच्छा नहीं है तो कर मत, हमारी नजर में तुम बेरोजगार नहीं हो। फिर कौन बेरोजगार है? जिसकी उम्र 15 टू 59 है, इज विलिंग एंड एबल टू वर्क है एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, जो मार्केट में भाव चल रहा है उस पे काम करने को तैयार है। अगर सैलरी 10 मिलती तो 10 में काम करने को तैयार है, 50 मिलती तो 50 में करने को तैयार है, बट अनएबल टू गेट ए जॉब। अनएम्प्लॉयड कौन है फिर? वही व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है जिसकी उम्र 15 से 59 के बीच में, 15 से 59, जो एबल भी है, जिसकी इच्छा भी है, जो पैसा मिलेगा उसमें काम करने की, पर फिर भी उसको क्या नहीं मिल रहा? जॉब। तो मैं चाहूंगा आप लोग अपने माइक ऑन करो और मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आपको ये लगता है कि ऐसे कई सारे लोग हमारे देश में है जो एबल है, विलिंग है, काम करना चाहते हैं, पर उनको काम नहीं मिल रहा और उसकी उम्र 15 से लेके 59 तक है? क्या ये प्रॉब्लम हमारे देश में है? क्या है? तो यही लोग अनएम्प्लॉयड कराएंगे। अब मुझे बताओ, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र 15 से लेके 59 में है, जो काम चाहे तो कर सकते हैं, उनके लिए जॉब भी है, पर वो करना ही नहीं चाहते, फिर क्या ये लोग अनएम्प्लॉयड है क्या?
ऐसे लोगों को जो खुद काम नहीं करना चाहता, उसको आप क्या नहीं बोल सकते, अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, आयत खाऊ लोग होते हैं या बहुत ही अमीर लोग होते हैं, ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है। फिर आओ आगे क्या लिखा है पढ़ते, फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इट इज इसेंशियल दैट द पर्सन शुड बी एंगेज इन अ वर्क फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक। ये भी एक क्राइटेरिया है। अब मुझे बताओ, अभी ऐसा है इन इंडिया द पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ हिज वर्क फॉर लेस देन 14 आवर्स पर वीक। एक दिन में एक इंसान कितना काम कर सकता है स्टैंडर्ड के हिसाब से? अरे एक दिन में एक इंसान ने कितना घंटा काम करना चाहिए? हाँ एटलीस्ट 8 आवर्स। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हाँ 8 आवर्स पर डे मल्टीप्लाइड बाय 7, तो एक हफ्ते में इंसान कितने घंटे काम कर सकता है? 56 आवर्स। अब मुझे बताओ, आपके घर का कभी काम किया होगा आपने, बराबर है? तो मजदूर आए होंगे काम करने आपके घर पे, आते कि नहीं आते? अब एक ऐसा था कि आपके घर का स्लैब डालना था, तो 3 दिन तक करा, एक मजदूर पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, रोज उसने 8-8 घंटा काम किया, तो हफ्ते में कितना दिन काम हो गया? 3 दिन। कितने घंटे काम किया उसने? 24। बाकी के दिन उसको काम मिला नहीं, पर अगले हफ्ते में फिर मिल गया 2-3 दिन का काम, फिर कुछ दिन काम नहीं मिला, फिर उसको काम मिल गया। मुझे बताओ, अगर एक व्यक्ति हफ्ते में कुछ घंटे काम करके पैसे कमा लेता है, मान के चलो 3 दिन के उसको 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपीज पर डे के हिसाब से 1,500 रुपीज मिला। अब आपको सरकार ने ये तय करने बोला है कि देश में बेरोजगार लोग कितने हैं, तो ये जो आदमी जो 3 दिन काम पे गया, इसको आप एम्प्लॉयड की कैटेगरी में डालोगे कि अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डालोगे? नहीं उसकी, हाँ एम्प्लॉयड, भले उसको 7 के 7 दिन काम नहीं मिल रहा है, पर कुछ दिन तो काम करता है ना हफ्ते में, वो हफ्ते में उसको कुछ दिन तो काम मिलता है कि नहीं मिलता? अब एक लड़का है जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, अब उसको पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है और उसको जॉब की जरूरत भी है, उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो उसने क्या किया, पार्ट टाइम टीचिंग ज्वाइन कर लिया। रोज सैटरडे संडे वो एक जगह पढ़ाने जाता है और रोज 7-7 घंटे पढ़ाता है, 7 आवर्स सैटरडे को पढ़ाता है, 7 आवर्स संडे को पढ़ाता है, बाकी दिन वो अपने काम दूसरे काम करता है या पढ़ाई करता है। तो सरकार कहती है ये वाला पॉइंट पढ़ो आप जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, पॉइंट नंबर 1 नीचे, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इन इंडिया मिला क्या ये पैराग्राफ आपको? पर्सन को अनएम्प्लॉयड तभी माना जाता है जब हफ्ते में उसको 14 आवर्स से भी कम काम मिलता है। तो आपकी काम वाली बाई है, रोज 2 घर करती है, रोज कितने घर करती है? 2 घर, एक घर में 1 घंटा, एक घर में 1 घंटा, ऐसे हफ्ते में एक दिन में 2 घंटे, तो 7 दिन में कितने आवर्स काम कर लिया उसने? बाकी टाइम वो कुछ नहीं करती। तो भारत में ऐसी लेडीज को अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? अनएम्प्लॉयड। तो भारत में अनएम्प्लॉयड कौन है? जिसको हफ्ते में 14 आवर्स से भी कम समय का क्या मिलता है? काम मिलता। Are you getting my point? Technical term. तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति से मिलो और उसको कुछ पूछ लो तो वो बोल देगा मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो सरकार उसको रिकॉर्ड कर लेगी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को रिकॉर्ड करने के क्राइटेरिया काफी डिफरेंट है। पहला क्राइटेरिया क्या है? कि हफ्ते में 14 घंटे से 14 आवर्स से भी कम काम मिला उसको, तो वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है। दूसरा क्या लिखा है देखो, Those who work for 15 to 28 hours a week are considered as underemployed. अगर आपको 14 घंटे काम मिलता है, 14 घंटे से भी कम काम है, तो आप अनएम्प्लॉयड हो। और 15 घंटे से 28 घंटे तक काम कर लेते हो, तो काम तो है आपके पास, पर उतना काम नहीं है जितना इंसान ने करना चाहिए, तो आप अनएम्प्लॉयड भी नहीं हो और पूरी तरह से एम्प्लॉयड भी नहीं हो, आप बीच के हो। ऐसे बीच के लोगों को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंडर एम्प्लॉयड। फिर पूरी तरह से एम्प्लॉयड कौन है?
पर्सन वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे दैट इज 273 डेज फॉर अ ईयर इज कंसिडर्ड एज क्या? एम्प्लॉयड ऑन कौन सा बेसिस? स्टैंडर्ड बेसिस। अब पूरा जॉब किसके पास है? जो दिन में 8 घंटे काम करता है। वैसे तो 8 घंटे काम करेगा दिन में तो 365 दिन उसको काम करना चाहिए, पर हमें 365 दिन काम नहीं करना, हमें कितने दिन काम करना है? सिर्फ 273 डेज, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ माना जाता है, फिर दिवाली वेकेशन आती है, फिर गांधी जयंती आती है, 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, इसमें आपने काम नहीं किया तो चलता। फिर सबसे बेस्ट एम्प्लॉयमेंट का तरीका क्या है? फुल्ली एम्प्लॉयड, स्टैंडर्ड बेसिस पे एम्प्लॉयड कौन है? जो रोज कम से कम कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा, और ऐसे काम वो दिन में कितने दिन तक करता है? 273 डेज तक। तो इस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मुझे बताइए वो कौन सा एज ग्रुप है जिसको लेबर फोर्स माना जाता है? माइक ऑन करो, जवाब दो। 15 to 59, इसको क्या माना जाता है? लेबर फोर्स माना जाता है, बराबर है? इसमें से भी कौन अनएम्प्लॉयड है ऐसा माना जाएगा जिसकी एज 15 से 59 है, जो विलिंग है और एबल टू वर्क है एट प्रिवेलिंग वेज रेट, पर उसको क्या नहीं मिल रहा है? काम। अब काम कौन सा और कैसा मिलेगा तो मुझे बताओ। भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है सरकार के लिए, उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना है, लॉन्ग फॉर्म आपको याद करना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। आप नहीं हो वो व्यक्ति जो सरकार को ये बताएगा या दुनिया को ये बताएगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं। आपको कभी फोन आया क्या मोदी जी का? हेलो मित्रों, मैं मोदी जी बोल रहा हूँ, मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग कितने एम्प्लॉयड और कितने अनएम्प्लॉयड, आप मेरी हेल्प कीजिए। ऐसा फोन आपको कभी आया है क्या? नहीं। सरकार के लिए ये आंकड़े जमा करने का काम कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है ये बताना कि लोग एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड। तो पहला क्राइटेरिया मेरा सवाल आपसे ये है, फुल्ली अनएम्प्लॉयड कौन है भारत में, पूरी तरह बेरोजगार कौन है? पर वीक, जिसको हफ्ते में 14 घंटे का भी काम मिलता नहीं है, वो फुल्ली क्या है? अनएम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड कौन है हमारे देश में? हाँ, मतलब वो फुल्ली एम्प्लॉयड भी नहीं है और अनएम्प्लॉयड भी नहीं। हमारे देश में फुल्ली एम्प्लॉयड या स्टैंडर्ड बेसिस पे एम्प्लॉयड कौन है? आप मुझे बताओ, मुझे देख के आपको क्या लगता है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अंडर एम्प्लॉयड हूँ कि फुल्ली एम्प्लॉयड? क्योंकि मेरे पास रोज 8 घंटे का काम है और ऐसे 273 डेज साल में मैं काम करता ही हूँ और मुझे खुशी है जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे। आपके पापा आपको एम्प्लॉयड लगते हैं कि अनएम्प्लॉयड लगते हैं? एम्प्लॉयड, क्योंकि रोज 8 घंटे का काम उनके पास है और वो दिन में 365 दिन में से 273 डेज तो भी ऑफिस या दुकान पे जाते हैं और अपना काम करते हैं। फिर मेरा सवाल है कि मैंने ये क्यों कहा कि आप लोग अनएम्प्लॉयड हो? नहीं हो, आप 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप एनएसएसओ की लिस्ट में अनएम्प्लॉयड लोगों की कैटेगरी में नहीं आते, बताओ तो कारण क्या? हाँ, बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, आपकी खुद की इच्छा ही नहीं है क्या करने की, काम करने की। पर अगर आप काम करना चाहो कि भाई मेरे को बहुत जरूरत है पैसों की, मुझे कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए और उसके बाद भी आपको जॉब ना मिले, तो फिर आप एनएसएसओ में आपका नाम कौन सी कैटेगरी में दर्ज करा सकते हो? अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आपका नाम आएगा। अच्छा, आप जब 10th में थे, जब आपकी उम्र कितने से कम थी, 15 साल से भी कम थी, आपके छोटे भाई 6, 7, 8 में काम करते, वो लोग अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में क्यों नहीं आते? काउंट नहीं होते, क्योंकि उनकी उम्र ही 15 साल से क्या है, कम है। तो भाई छोटे बच्चों का काम ना करना ये समस्या है क्या देश के लिए? नहीं,
बूढ़े लोग जिसकी उम्र 59 से ज्यादा हो चुकी है उनको काम नहीं मिल रहा, ये देश की समस्या है क्या? 15 से 59 एज है पर खुद की इच्छा ही नहीं है काम करने की, क्या ये देश के लिए समस्या है क्या? फिर देश के लिए समस्या क्या है जिसकी एज 15 से लेके 59 है, जो काम करना भी चाहता है पर उसको क्या नहीं मिल रही है? जॉब मिल भी रही है तो 14 घंटे से कम की मिल रही है, या तो 15 से लेके 28 की मिल रही है, ये देश के लिए प्रॉब्लम है। अब जिसको रोज 8 घंटे का काम है और 273 दिन 273 डेज ऑफ ईयर वो काम करता है, ये कोई प्रॉब्लम है क्या देश के लिए? नहीं। तो चलो और एक चीज है, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक है ना, ये जितना सरल सुनने में लगता है उतना सरल है नहीं। तो मेरा सवाल, एक बंदा जिसकी इंजीनियरिंग हो चुकी है उसको जॉब ही नहीं मिला, क्या वो अनएम्प्लॉयड है क्या? अरे हाँ है, वो काम करना चाहता है और उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है। हाँ, एक बंदा इंजीनियर है पर उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अब फिलहाल वो कुछ नहीं करता, टिकटॉक वीडियो बनाता है, क्या वो अनएम्प्लॉयड है क्या? क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, काय को गिने उसको अनएम्प्लॉयड की लिस्ट में और खामखा नंबर्स बढ़ाए और देश को एक बुरे पिक्चर में लाके खड़ा कर दी कि हमारे देश में लोग बेरोजगार है। अब देखो आगे है, यू शुड नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। एक इन्होंने बोला है इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है खुद की मर्जी से, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? खुद की मर्जी से। तो पहले पॉइंट नंबर टू पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर टू कहता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर अ पर्सन इज फिट टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क। एक इंसान फिट है काम करने के लिए, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, 15 साल से ऊपर है, उसके लिए काम भी है पर वो करना ही नहीं चाहता, ये कौन से अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है? वॉलंटरी, खाली फोकट में घूम रहे पर काम करने की इच्छा नहीं है, ये देश के लिए समस्या नहीं है। इनका सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, इनके माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते और इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनका खुद का ही इच्छा ही नहीं है क्या करने की, काम करने की। ऐसे लोगों को क्या, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर है ना? जो आदमी फिट तो है काम करने के लिए पर वो काम करना ही नहीं चाहता। दूसरा है फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये सीरियस मैटर है। इसमें क्या लिखा है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क, लोगों की इच्छा है क्या करने की, काम करने की, बट देर इज नो वर्क फॉर देम ड्यू टू एक्सेस ऑफ लेबर फोर्स इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ लेबर। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो काम करना चाहते हैं, जिनकी उम्र 15 से ज्यादा है पर उनके लिए मार्केट में काम ही नहीं है, क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं है, डिमांड कम है और लेबर का सप्लाई ज्यादा है, पहले बहुत सारे लोग हैं वो काम पे लगे हैं, अब उनके लिए काम नहीं, ये है रियल प्रॉब्लम। ये है कौन सी प्रॉब्लम देश की? रियल प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है देश की? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इंसान काम करना भी चाहे तो भी उसको क्या नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। तीसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, काम तो है पर क्षमता के अनुसार काम नहीं है। इट इज अ सिचुएशन वेयर पर्सन्स कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज। मुझे बोलो, एक बंदा इंजीनियर है और उसको बैंक में चपरासी की नौकरी मिली, कहने को तो अनएम्प्लॉयड है वो, पर क्या उसको उसकी क्षमता के अनुसार काम मिल रहा है क्या? एक इंजीनियर अगर चपरासी की नौकरी करता है तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट ही कहेंगे ना आप? या मुझे बताओ, एक लड़के ने सीए बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसको बैंक में कैशियर की नौकरी मिली। कैशियर कौन होता है? जो कैश काउंट करता है, लेता है और कैश देता है। अब मुझे बोलो, पढ़ाई उसने सीए की है, नौकरी किसकी कर रहा है वो? ये तो प्रॉब्लम है ना। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है भाई। वो दिन में 8 घंटे काम करना चाहता है, हफ्ते में 56 घंटे काम करना चाहता है पर उसको 15 से 28 घंटे का ही काम मिल रहा है, तो वो भी कैसा एम्प्लॉयड है? अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल जहां नहीं कर सकता इंसान, वो अंडर एम्प्लॉयड है। अगला है फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड एज द मोस्ट इफिशियंट मैनर।
ऐसा किसी देश में नहीं होता है, अमेरिका में भी नहीं है, कि जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको पूरा काम मिल गया, रोज 8 घंटे बिजी रहते हैं, 365 दिन काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन आती नहीं है कहीं पे। तो और भी टाइप्स है एम्प्लॉयमेंट के, जैसे आपने ये पढ़ा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बहुत अलग अलग टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट के, जिसका टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। इसका नाम है क्या, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज के लिए इतना काफी है। समझ में आया कि एक पेज जो अपन ने पढ़ा उसमें क्या था? तो ये जो चैप्टर है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है और बड़े ध्यान से समझना पड़ता है। मैं और कल पढ़ाऊंगा इसमें अलग अलग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसपे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सी यू टुमारो, आज के लिए इतना काफी था। बाय बाय, टेक केयर।